Delhi BJP Chief Satish Upadhyay, speaking to the media, said that AAP did not have the right to question BJP on whether or not it could form the government in Delhi. JDU MLA Shoaib Iqbal on Tuesday said he will meet AAP Chief Arvind Kejriwal over government formation and that he was confident of convincing him. He said he was confident that an alliance with Congress will happen and the communal forces will be kept at bay. AAP has meanwhile refuted reports of any such meeting. जहाँ तक आम आदमी का सवाल है कि हमको सरकार नहीं बनाने देने के लिए बुलाना चाहिए, वो ये कहने वाले कौन होते हैं? क्या उन्होंने सेकंड लार्जेस्ट दल होने के नाते दिल्ली में सरकार नहीं बनाई क्या? और इस समय जो उनका दौरा चले तो दोबारा से सामने निकल करके आया है, उनकी जो सत्ता लोलुपता है, लगातार जो उनकी लस्ट है पावर के लिए, उसके लिए वो कैमोफ्लाज करते रहते हैं तरह तरह से। और आज ही अगर आपने देखा हो, आप ही के चैनल के माध्यम से शोएब इकबाल साहब ने एक बयान उन्होंने दिया है कि 2 बजे हमसे मिलने वाले हैं, और उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि हम उनके साथ मिलकर के दोबारा से प्रयास कर रहे हैं सरकार बनाने का। Satish Upadhyay reiterated that AAP ran away from the Delhi government. He said the nearby party was responsible for the situation Delhi was in. He said Kejriwal wanted to be PM and hence he quit power. क्यों बनाई थी सरकार इन्होंने और क्यों छोड़ करके भागे दिल्ली को? दिल्ली की आज जो मैस बना हुआ है, दिल्ली में जिस तरह की स्थिति आज खड़ी हुई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? केवल और केवल केजरीवाल, केवल और केवल उनकी सत्ता की लस्ट। और उन्होंने जाकर के जिस तरह से 7 RCR का रुख किया, जो प्रधानमंत्री बनने की उनकी जो लालसा थी, छोड़ करके दिल्ली को भाग गए। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लोग बैठते हैं, शर्म उनको आनी चाहिए। दिल्ली की जनता के साथ धोखा उन्होंने किया है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ उन्होंने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। वो कहते हैं दिल्ली में चुनाव कराओ, हम ये कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनाव कराएं, हम कल चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। The Delhi BJP chief also said the Delhi BJP is ready to provide any type of assistance to the flood hit Jammu and Kashmir. He also extended his gratitude to the armed forces for their rescue operations in the state. हमने चीजों को यहां इकट्ठा नहीं किया, हमने बाजार से थोक बाजार से इन ट्रक में लदवा करके सीधे ये वहां पर जाएगा और उन लोगों को डायरेक्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहां की जो मिलिट्री है और जो इकाई है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके मिलिट्री इस सारे ऑपरेशन को देख रही है, क्योंकि मिलिट्री ने जिस प्रकार का काम देवदूत बनकर के किया है, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम सब लोगों की जो आंखें खुल रही हैं इस आपदा के समय में, भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है। दिल्ली में बैठ करके इस परेशानी में हम सब उनके साथ हैं और मिलकर के इस आपदा को मिलकर के दूर करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं और ये उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि दिल्ली प्रदेश इस तरह की आपदा में उनका एक इशारा होगा तो जितने ट्रकों की आवश्यकता होगी वे निश्चित रूप से हम सामग्री यहां से भेजेंगे। पावर्ड बाय NNIS।